हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो फ्रॉम लॉबर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो आज की वीडियो यार सारे के सारे उन बच्चों के लिए होने वाली है जो जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं या जुडिशियल सर्विसेज के अंदर जाने वाले हैं। सो मैं कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं कि कैसे जुडिशरी के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो जब आप अपने लॉ स्कूल के अंदर हो, यानी कि चाहे आप LLB कर रहे हो या DLLB कर रहे हो या आपका 5 ईयर का कोर्स है या 3 ईयर का कोर्स है, इसके बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार, पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप टारगेट कर रहे हो जुडिशियल सर्विसेज को, तो जुडिशियल सर्विसेज में हर स्टेट का अलग अलग एग्जाम होता है। रीजन बीइंग, अभी तक कोई ऑल इंडिया एग्जाम नहीं आया है। तो चाहे आप टारगेट कर रहे हो दिल्ली को, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को, उत्तराखंड को, हिमाचल प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को, मध्य प्रदेश को या छत्तीसगढ़ या जो भी, ये सारी स्टेट्स है, या फिर अगर कोई पंजाबी बोलने वाला बच्चा वो पंजाब को टारगेट कर रहा है या राजस्थान को टारगेट कर रहा है, अगर इन सारी स्टेट्स को आप टारगेट कर रहे हो तो यानी कि आपका ये क्लैरिटी है कि आप जुडिशरी के अंदर जाना चाहते हो और आप इन सारी स्टेट्स को आप टारगेट कर सकते हो। अब सबसे पहले फ्रेंड्स हमें जानने की जरूरत है कि आपको जुडिशरी क्यों करना है। तो अगर आपका एम ये है कि यार मुझे जज के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, जज के पास बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना एक बेटर रीजन सर्च करो कि आपको जुडिशरी के अंदर क्यों जाना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ पर्क्स और सैलरी की वजह से जुडिशरी के अंदर जाना चाहते हो तो शायद आप इस काम को इतना इंजॉय ना करो। लेकिन हाँ, अगर आपका काम लोगों को जस्टिस एडमिनिस्टर करना है और आपको लॉ एक्चुअली बहुत पसंद है तो आपको जुडिशरी के अंदर जाना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज जो हमें ध्यान में रखनी है कि कब हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर ही कर देना चाहिए, कुछ कहते हैं सेकंड ईयर के अंदर कर देना चाहिए, कुछ कहते हैं कि कॉलेज खत्म होने के बाद करना चाहिए। इससे कोई मैटर नहीं करता, आप कॉलेज के ड्यूरेशन के अंदर भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर के अंदर हो। लेकिन सजेस्ट किया जाता है सेकंड और थर्ड ईयर के अंदर आप स्टार्ट करो। लेकिन जब भी आप स्टार्ट करो, आप ये चीज का ध्यान रखना कि आपके अंदर एक बहुत स्ट्रांग फोकस है, दूसरा डिसिप्लिन है, तीसरा डिटर्मिनेशन है। ये 3 फैक्टर्स अगर आपके अंदर बिल्ड हो जाते हैं तो आप जुडिशियल सर्विसेज के अंदर जा सकते हो। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि हम पढ़ना कैसे स्टार्ट करें। तो इसके लिए हाउ टू स्टार्ट के अंदर हमें सबसे पहले जानने की जरूरत है कि जितनी भी सारी स्टेट्स मैंने आपको बताई, कुछ 8 या 10 स्टेट्स है, अगर आप सारी की सारी स्टेट्स को फर्स्ट डे से टारगेट करना शुरू करोगे तो बिल्कुल बेकार है। कोई पॉइंट नहीं है सारी की सारी स्टेट्स को एक साथ करने का। आप जिस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो बेयर एक्ट रीडिंग से। यानी कि अगर आप अपने लॉ स्कूल के अंदर हो, आप LLB या BLLB कर रहे हो, तो आप बेयर एक्ट रीडिंग से स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज बेयर एक्ट की रीडिंग अगर आपको करनी आ गई तो जुडिशियल सर्विसेज का आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका बन जाएगा। सो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैं आपको बताऊंगा आगे, कि उनका बेयर एक्ट थॉरली पढ़ो। क्योंकि इतना बेयर एक्ट आपको आपके सेमेस्टर्स के अंदर नहीं पढ़ाया जाता जितना आपको जुडिशियरी के पढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट है। उसके बाद दूसरी चीज जो आप कर सकते हो वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज सारे एग्जाम्स के अंदर एक प्रीलिम एग्जाम होता है जिसके अंदर GK और करंट अफेयर्स टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी लीगल न्यूज की भी अपडेट्स आती रहती है न्यूज़पेपर के अंदर, तो वो पढ़ने से आप अपडेटेड रहोगे कि हाँ क्या क्या चेंजेस लीगल वर्ल्ड के अंदर हो रहे हैं, कौन सी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट ने पास करी है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। एंड लास्ट, आप जब तक अपने लॉ स्कूल के अंदर हो, ट्राई टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि ये जो सारे एग्जाम्स है इसके अंदर मेजर पोर्शन आपका इंग्लिश के अंदर होने वाला है, और आपका जो वाइवा वॉस भी होगा वो भी इंग्लिश के अंदर होने वाला है, और प्रीलिम्स के अंदर भी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लीज कोशिश करके अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर 2-3 साल में बहुत अच्छी कमांड बना लेना, बिकॉज ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आंसर राइटिंग में, आपके इंटरव्यूज के अंदर और बाकी सारी जगहों पर भी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जब कुछ बच्चों के माइंड में होता है कि सर हम जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो क्या इंटर्नशिप जरूरी है या नहीं है, या इंटर्नशिप हम स्किप कर सकते हैं या बहुत ही मैंडेटरी है इंटर्नशिप्स करनी, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यार अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हो तो इंटर्नशिप्स करना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। लेकिन इंटर्नशिप आपको किस चीज में हेल्प करती है कि आपको कोर्ट की फंक्शनिंग समझ आ जाती है कि एक्चुअली कोर्ट में कैसे काम होता है, केसेस कैसे लगते हैं, केसेस कैसे सुने जाते हैं, एडजर्नमेंट कब दी जाती है, आर्ग्यूमेंट्स कैसे होते हैं, ये सारी चीजें आपको तभी पता चलती है जब आप इंटर्नशिप्स के अंदर कोर्ट विजिट करते हो। तो इस लिमिटेड पर्पज के लिए आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो। नेक्स्ट है कि फ्रेंड्स, हम लॉ स्कूल में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जुडिशरी में वो सारे सब्जेक्ट्स इतने सारे तो नहीं पूछे जाते, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था जिनका बेयर एक्ट और जिनको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, तो इनको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं।
एक तो हमारे प्रोसीजरल लॉज हो जाएंगे और दूसरे हमारे सब्सटेंटिव लॉज हो जाएंगे। तो अगर प्रोसीजरल लॉज में बात करूं तो सबसे पहला सीआरपीसी, फिर सीपीसी, फिर इंडियन एविडेंस एक्ट, फिर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट और पांचवा लिमिटेशन एक्ट। और अगर मैं सब्सटेंटिव लॉज के अंदर बात करूं, सबसे पहले इंडियन पीनल कोड, फिर फैमिली लॉ जिसके अंदर हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ आ जाता है, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रीलिम्स के अंदर ये पूछा जाता है, उसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो ये कुछ लॉज है जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंटिव लॉज है जो ऑलमोस्ट सारे मेन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब जो सिलेबस है वो एग्जाम टू एग्जाम और स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, लेकिन मोर और लेस ये सब्जेक्ट सारे एग्जाम्स के अंदर कॉमन रहते हैं। बाकी हर एक एग्जाम के अंदर कुछ कुछ म्यूनिसिपल लॉज और लोकल लॉज भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट आता है, बाकी स्टेट्स के अंदर उनके भी लोकल लॉज आते हैं, लेकिन वो आप एग्जाम से पहले भी पढ़ सकते हो, तो उसके लिए जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये सारे एग्जाम्स का, ये सारे सब्जेक्ट्स का आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाना चाहिए। उसके बाद एक नेक्स्ट चीज आपके माइंड के अंदर आती है कि सर क्या हम मेंस की तैयारी प्रीलिम्स को क्लियर होके कर सकते हैं? तो एक चीज के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे वो जुडिशरी का एग्जाम है, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्जाम है या कोई भी और एग्जाम है, आप मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के बाद शुरू नहीं कर सकते बिकॉज आपको मेंस के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो मेंस की जो भी प्रिपरेशन है आपको प्रीलिम्स के साथ साथ ही करनी है, ताकि जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो आप मेंस को पढ़ने के बजाय उसकी रिवीजन के ऊपर जाओ, ताकि आप एक बेटर वे के अंदर उसी अटेम्प्ट के अंदर अपना एग्जाम निकाल पाओ। इसी के साथ साथ आपको किस चीज पे और बहुत ज्यादा फोकस करना है, आपको जजमेंट राइटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, और जजमेंट राइटिंग अगर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी तो मेंस के अंदर आपको बहुत ज्यादा उसका फायदा मिलेगा। फ्रेंड्स अगर अब मैं सिलेबस के बारे में बात करूं तो जुडिशरी का जो सिलेबस होता है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, जितना आपको आपके लॉ स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है उससे बहुत ज्यादा वास्ट जुडिशरी का सिलेबस है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल सीपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, या आईपीसी हो गया, या सीआरपीसी हो गया, इनको आप ब्रेक कर लो, आप इनको मल्टीपल पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर लो और फिर इनको आप रीड करो और फिर आप इनको स्टडी करो और इनके केस लॉज भी आप साइड के साइड पढ़ते रहो, ताकि आपको ये ध्यान में रहे मुझे जो जो सब्जेक्ट्स मेरा इतना इतना हो गया, अगर हम पूरा एक साथ करेंगे तो शायद ना हो पाए, लेकिन अगर ब्रेक करके करेंगे तो डेफिनेटली हो पाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या कोचिंग नेसेसरी है जुडिशरी के लिए? तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव आंसर है कि कुछ बच्चों के लिए मैंडेटरी हो सकती है, कुछ बच्चों के लिए मैंडेटरी नहीं हो सकती। मैंने देखा है उन लोगों को भी जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के जुडिशरी का एग्जाम निकाला है, और उन बच्चों को भी जिन्होंने बहुत सारी कोचिंग के बाद भी जुडिशरी का एग्जाम नहीं निकाल पाए हैं। तो आपकी कैलिबर क्या है ये डिटरमाइन करती है। बस कोचिंग एक चीज कर देती है कि आपके अंदर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को ले आती है, इसके अलावा बाकी सब चीजें आपको खुद ही पढ़नी होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यार अगर आप किसी कोचिंग के अंदर हो तो नोट्स तो आपको वहां से मिल ही जाएंगे, लेकिन अगर आपने कोई कोचिंग नहीं करी है तो प्लीज मेक श्योर आप नोट्स शॉर्ट और क्रिस्प बनाओ, क्योंकि अगर आप लॉन्ग नोट्स बनाओगे वो आपके रिवीजन के अंदर बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे। तो आप शॉर्ट और कंसाइज और क्रिस्प फॉर्म के अंदर आप नोट्स बनाओ, जिसको आप रिवीजन के टाइम में फटाफट पढ़ सको। अगर आप केस लॉ भी लिख रहे हो तो उसको बहुत ही ब्रीफ में कुछ लाइंस में लिखो, ताकि आप फटाफट रिवीजन के टाइम पे आपको ध्यान आ जाए कि इस केस लॉ के अंदर ये सारी चीजें थी, और आपको दोबारा के दोबारा वो केस लॉ ना पढ़ना पड़े। तो फ्रेंड्स ये सी कुछ टिप्स उन बच्चों के लिए जो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। आई वुड सजेस्ट कि यार इन सारी चीजों को आप बहुत रिलीजियसली फॉलो करना, ताकि आप अपना जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम निकाल सको और आप इन फ्यूचर जज अपॉइंट हो सको किसी इंडिया के टॉप कोर्ट के अंदर, किसी इंडिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, और वहां पे आप लोगों को जस्टिस दे सको। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा। गॉड ब्लेस यू।